ऐसा लगता है जैसे किसी देशद्रोही के ऊपर वॉच रखी जा रही हो। मेरे नहीं, मेरे अगल बगल निकट सब लोगों के टेलीफोन आदि टेप किए जा रहे हैं। हमारे राज्य में विद्वेष की राजनीति नहीं थी। मेरा चार्ज है सेंट्रल गवर्नमेंट पर और भाजपा पर कि वो राज्य के अंदर विद्वेष की राजनीति को पैदा कर रही है, घृणा की राजनीति को पैदा कर रही है। 10 तारीख को माननीय उच्चतम न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट की बात कही है। हम फ्लोर टेस्ट जिस तरीके से सामान्य स्थितियों में विधानसभा करती है उसी तरीके से फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं और फ्लोर टेस्ट के बाद फिर साथ साथ चल सकते हैं। इसलिए मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वो ये असहिष्णुता पैदा करने की जो उनकी देशव्यापी मुहिम है उसको उत्तराखंड में उस एजेंडे को लागू न करें। बहुत सुदृढ़ सूत्रों से मालूम पड़ा है कि दो शीर्षस्थ पदों पर रहे ब्यूरोक्रेट्स को उनके पुराने स्टिंग दिखा करके हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त में लगाया गया है। मैं समझता हूं कि सारा देश देख रहा है कि उत्तराखंड जैसी पुण्य भूमि, उत्तराखंड जैसी देव भूमि के अंदर कितनी भ्रष्टम सरकार अभी तक काम कर रही थी। इसका जीता जाता उदाहरण एक स्टिंग ऑपरेशन नहीं है, 2-3 स्टिंग ऑपरेशन आपने लगातार देखे हैं अभी जो हरीश रावत जी के उनके सरकार के लोगों से जुड़े हुए लोगों के। वो अभी से शायद उनमें घबराहट पैदा हुई होगी। मुझे नहीं लगता कि जो 10 तारीख को होने वाला है उसका सपना उनको पहले आ गया होगा।